विशेष तो मैं उनसे ली जाए जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग हैं, आई एम स्टिल अ बैचलर, तो मैं क्या विश दूंगा, बस यही कहूँगा कि हैप्पी मैरिड लाइफ। और शरद और मेरा जो सेट है बहुत ही आसपास है, तो हम लोग अक्सर लंच में मिलते हैं और आगे की ज़िंदगी के बारे में यानी कि शादी के बारे में काफ़ी डिसीजन करते हैं और सोचते हैं समझते हैं। और कुछ बातें हैं जो दोस्तों के बीच में होती है, उनको मैं यहाँ क्या बताऊँ, लेकिन हाँ प्लानिंग करना लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है और सही चीज़ सही टाइम पर होना बहुत ज़रूरी है। मैं रेडी रहता हूँ, मुझे गाने की चिंता नहीं होती है, मुझे बस अपने वाले मिलना चाहिए, अपना मनपसंद म्यूज़िक मिलना चाहिए, बस अपन रेडी हैं, बस सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें, मस्ती में रहें, आनंद में रहें और खुशियों में रहें। सबसे बड़ी बात देखिए क्या होता है ना, जब खुशी के मौके होते हैं तो प्लानिंग से कभी नहीं होते। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ प्लानिंग से हुई है क्या, तो कभी कोई चीज़ प्लानिंग से होती नहीं है लाइफ में। लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, तो जैसी आए उसको वैसे जिएं और वैसे उसको उसका मस्ती से आनंद उठाएं। ये मेरे फादर हैं तो वो बोलते बड़े कि अरे सूट वूट थोड़ा बाद में पहनना, पहले आज इंडियन पहन के जा, तो पजामा कुर्ता, गर्मी का टाइम भी चल रहा है, तो आ गए यार सगाई का है शायद। हाँ अभी आप मेरे को ऐसे कह सकते हैं कि मैं क्रिकेट लवर नहीं हूँ, लेकिन मैं क्रिकेट लवर हूँ, लेकिन समय की कमी के चलते मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता IPL देखने का। मेरे फादर काफ़ी उसमें व्यस्त रहते हैं, लेकिन आई लीव बाय लाइक अर्ली इन द मॉर्निंग, आई केम लेट, और उसके बाद फिर सीधे मुझे बेड पे जाना होता है क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है। तो IPL का तो फीवर मतलब मेरे घर में सिर्फ मेरे फादर ही उठा पा रहे हैं, मतलब मैं तो कुछ हुई ही नहीं उसमें, मुझे नॉलेज ही नहीं है। पिछले एक साल में अगर मेरे लिए कोई बेस्ट चीज़ हुई है तो रूपी हुई है, और दो बातें हैं इसमें। पहली बात कि आई हैव गिवन माय ब्लड स्वेट एंड टीयर्स द शो फॉर कंसेक्यूटिव 10 months 26 days 13 hours इन अ डे, तो ये मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रहा है। अच्छा स्क्रीन स्पेस था, प्राइम टाइम 10 channel था, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो एक्टर और नो कैरेक्टर इज अबव स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट होती है वही शो का हीरो होता है। आई एम थैंकफुल यार, वो थैंकफुल के अलावा कोई शब्द बचता ही नहीं है, इसके अलावा तो मैं कुछ कर सकता नहीं। हाँ इसके अलावा एक काम और कर सकता हूँ कि अब तक जो मैंने मेहनत से काम किया है तो उस मेहनत में मैं डबल स्पीड से काम करूँगा, और क्या।